मोर्चा के भारत बंद के आह्वान पर आज करनाल के इंद्री में भी किसानों ने यमुनानगर करनाल स्टेट हाईवे को जाम किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस जाम की वजह से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ पिछले 4 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि आज शुक्रवार को भारत बंद होगा। पूरे जिला करनाल में स्टेट हाईवे को सभी जगह पर जाम किया गया है। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता और एमएसपी पर कानून नहीं बनता। किसानों ने दो टूक में कहा कि भाजपा की सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने अपने पूरे शहर की ट्रैफिक डाइवर्ट की है। जो करनाल की तरफ से ट्रैफिक आ रही है उसको इंद्री बाईपास से वाया गढ़ी बिरबल और वाया अंदर से शहर से निकालते जैनपुर से निकाल रहे हैं, और जो लाडवा साइड से ट्रैफिक आ रही है वहाँ पे हमारा बादशाह चौक पे नक्का है, वो वाया बादशाह वाया पंजोकरा और भूटान खेड़ी से निकाले। सुरक्षा की दृष्टि से क्या प्रबंध किया गया? बिल्कुल सुरक्षा सारी चारों तरफ पुलिस लगी है। हमारे नहर चौक पे भी पुलिस है, मेहता चौक पे भी पुलिस लगाई गई है। पब्लिक को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने देगी और बढ़िया ट्रैफिक आवागमन बिल्कुल ठीक तरह से चला। किस समय तक इनका आह्वान था? ये इन्होंने 5 बजे तक का कहा है, और 5 बजे तक हमारी ड्यूटी है भी कोई पब्लिक को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए शहर के चारों तरफ पुलिस तैनात की गई है और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया, ट्रैफिक बिल्कुल दुरुस्त चल रही है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की काल थी भारत बंद को लेकर। करनाल के अंदर नौजंग स्टेट हाईवे जाम है, इंद्री के अंदर PWD रेस्ट हाउस के ऊपर ये रोड जाम है। ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा, और पहले भी जितने रोड जाम रहे सब सफल हुए, शांतिपूर्ण तरीके से रहे। तो मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये आज का भी रोड जाम सफल रहेगा और शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। जो भी काल संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आएगी किसी भी तरीके की हो, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन और इंद्री के हल्का के किसान, उसका पूरे अच्छे तरीके से निभाएंगे। किसान पंचायत आयोजित की जा रही है, कैसे संख्या? बहुत भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कल एक किसान पंचायत अपनी करनाल के अंदर असंध पड़ता है हल्का, वहां पे थी। संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता आए थे, गुरनाम सिंह चटुन्नी, राकेश टकैत, डल्लेवाल जी और भी अन्य किसान नेता आए थे। बहुत ही ज़्यादा संख्या में वहाँ पर किसान इकट्ठे हुए, लोगों के अंदर उत्साह है। और ऐसे ही किसान मैं वहाँ पंचायतें अलग अलग स्टेट में चल रही, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, और पिछले कुछ दिनों में 3-4 किसान महापंचायतें बंगाल के अंदर भी हुई, और आने वाले 2-4 दिन के अंदर फिर पता चला है कि हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर बंगाल जाएंगे, क्योंकि बंगाल के अंदर 27 कल से चुनाव स्टार्ट हैं और वहाँ पर BJP की हार करार होगी। सरकार की तरफ से कोई बातचीत की जा रही है? फिलहाल कोई बातचीत नहीं की जा रही सरकार की तरफ से, ना ही उनकी कोई बातचीत करने की मंशा है। सरकार सोच रही है कि ये किसान ऐसे ही उठ के चले जाएंगे, पर ये किसान ऐसे उठ के जाने वाले नहीं हैं। ये जिंदगी का पहला और लास्ट आंदोलन है, इसको जीत कर ही वापस आएंगे। अब हमारी भी मजबूरी बन चुकी है, हम खाली हाथ दिल्ली से वापस नहीं आ सकते। क्या मानते आप, सरकार क्यों नहीं मान रही? सरकार का जी नाकसवाल हो रहा, सरकार मानना नहीं चाह रही, मुड़ना नहीं चाह रही। अगर किसी इंसान से गलती हो जाती है तो वो अपनी गलती मान लेता, तो गलती मानने वाला में सबड़ होता। अगर सरकार से गलती है वो आए हमारे किसानों के बीच, आए किसान लीडरों से बात करें, अपने गलती माने, किसानों को समझाएं, 2 कदम सरकार चले, 2 कदम किसान चलेंगे और इस आंदोलन का निपटारा करेंगे और कुछ ना कुछ बात करेंगे, तभी बात बनती है। पर 22 जनवरी के बाद बातचीत बंद है। कितने साल किसानों की मृत्यु हो चुकी है? 300 से ऊपर किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। आज बंद का आह्वान किया गया था, ये एक मंदारी है। देखिए, जो बंद का आह्वान है संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली की तरफ से है, उधर से जो भी आह्वान हुआ उसकी हम पालना करा, उन्हीं की पालना के आदेश पर आज ये पूरा हरियाणा बंद है। करनाल में 9 पॉइंट बंद है, पूरे हरियाणा में 146 जगह बंद है, तो ये 9 से 5 तक बंद रहेगा, शांति पीरियड रहेगा। लेकिन कोई एम्बुलेंस आ जाए, कोई सैनिकों का वाहन आ जाए, या कोई पेपर देने वाला बच्चा या कोई बीमार, उसके लिए हम रास्ता खोलते हैं, बाकी बंद रहेगा। सरकार मान नहीं रही, क्या हो रहा है? ये सरकार अठधर्मी हो रही, अंधी गुंगीर बैरी हो रही, इसको दिखाई नहीं दे रहा, इसके अंदर अहंकार रह रहा। अहंकार तो रावण, जरासंध, बाकासुर, नरकासुर उनके भी नहीं रहे, ये तो चीज़ ही क्या है। इसने अभी तक
जो कानून बनाए थे वो चल गए थे, लेकिन अभी इसने बिल्डों के छत्ते मार दे लिया। ये किसान इसको बताएगा भी कैसे गलत कानून बनाए जावा। जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा तब तक किसान इसको दिल्ली से वापस नहीं आएगा। जिस दिन ये वापस आएंगे, जीत के आएंगे, फिर भंगड़ा पाते और जश्न मनाते हुए आओगे, सबको पता लग जाएगा। जो प्रदेशों में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। कलकत्ते में हमारे जो किसान नेता गए थे एयरपोर्ट से, उनको इतना बड़ा 8 किलोमीटर का लंबा काफिला था, उनको लेकर गए जुलूस के रूम में, और वहाँ पर सभी कह रहे कि इस आप अड़े रहो, हम आपके साथ हैं, हमारे को दिल्ली आने दे रहे, लेकिन हम यहीं कलकत्ते को दिल्ली बना देंगे और यही इसको एक की बार सबक सिखाएंगे। सब के अंदर क्रोध है, गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। आगामी जैसे भी आदेश होंगे उसकी हम पालना करेंगे। अभी हमारे पास कोई नहीं है, कल मेरे ख्याल में संयुक्त किसान मोर्चे की दोबारा मीटिंग होने वाली है, जैसे आदेश आओगे उसके पालना करने के लिए तैयार है। दिसंबर नहीं छोड़, चार साल भी चलो, उसके लिए हम तैयार हैं। आगे हमारा गेहूं का सीजन आने लग रहा, उसके लिए भी हमने टीमें बना ली, अपना डंगवारा करेंगे। चार भाई जाओगे, चार भाइयों के पीछे उसकी फसल कटवाएगा, वो उसका काम संभालेगा, वो उधर बैठ के आएंगे, फिर वो चले जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हमने व्यवस्था तैयार कर ली, लेकिन हम अपने सीजन को भी खराब नहीं होने देंगे और अपने आंदोलन को भी खराब नहीं होने देंगे। ऐसे ही चलेगा, रेगुलर चलेगा। जब हम जाडे मार, ठंड मार, बारिश में नहीं हुए, हेलो, तो जब हम उसमें नहीं हुए, तो अब अभी हम इसमें थोड़ी रुक जाएंगे, तो ऐसी फसल उठेगी। अगर ये फसल सरकार ठीक ढंग से खरीदेगी, ठीक ढंग से, नहीं तो ये भी सड़कों पे आ जाएंगी, सब ट्रालियां सड़कों पे आ जाएंगी, इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।